नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। ऑल गुजरात स्टेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की राज्य प्रतिनिधि बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड के पदाधिकारियों का चयन किया गया। अध्यक्ष के रूप में उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य एवं लोक शिक्षा बोर्ड मेहराणा के मानद मंत्री दिलीप भाई चौधरी मधु डेरी के अध्यक्ष रहे। उपाध्यक्ष पद पर शंकर सिंह जी राणा, मालपुर विधायक धवल सिंह झाला, महासचिव पद पर मंडल सदस्य डॉ प्रियवर्धन कोराट और संजय भाई रावल सर्वसम्मति से मंत्री चुने गए। धवल सिंह को स्वतंत्र रूप से पूरे गुजरात में शिक्षण संस्थानों से जुड़े एक प्रशासक के रूप में चुना गया और गुजरात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा बनाया गया था। अरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। नमस्कार, बायड मालपुर ना तमाम कार्यकर्ताओं, मतदारों ने मारा वंदन, बधाने मारा जय माता जी, भारत माता की जय। आप सर्व ने जणावानुं के आवती काले तारीख 28 बुधवारे 12 वागे हूँ एसटी बस डेपो बायड आवानो छू। अने जे पण प्रश्नो छे एसटी ना, ते तमाम गामोना कार्यकर्ताओ अने युवान मित्रों, कॉलेज मां भणता विद्यार्थीओ, तमारा कार्यकर्ताने जाण करजो। विद्यार्थीओ जे कॉलेज ना होय पोते आई शकता तो आवो। आपणे जे पण तमारी बधानी रजूआत छे, ए रजूआत माटे आवती काले 12 वागे एटले तारीख 28 बुधवारे 12 वागे હું એસટી બસ ડેપો હાજર રહેવાનો છું। માલપુરના પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય, બાયડ ડેપોની બસ હોય ને આવતી હોય કે ના આવતી હોય, સમયસર ના આવતી હોય, એ તમામ પ્રશ્નો માટે આપણે ભેગા થઈએ। મારે એસટી બસ ડેપો મેનેજર જોડે વાત થઈ છે ને તેમણે કીધું છે કે સાહેબ, અમે જેટલા પણ પ્રશ્નો છે તેનું નિરાકરણ સંપૂર્ણ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરીશું। એટલે આપ સર્વને વિનંતી કે મોટી સંખ્યામાં જેને પણ પ્રશ્ન હોય એ તમામ ત્યાં ઉપસ્થિત રહે, કે જેથી કરીને તમારા ગામના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવી શકે। અસ્તુ, ભારત માતા કી જય, જય જય ગરવી ગુજરાત।